हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो हम अलाइट मोशन एप्लीकेशन से क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ मैंने दो प्रीसेट का लिंक दिया है, पहला बीट मार्क प्रीसेट, दूसरा इफेक्ट प्रीसेट। दोनों को आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। तो चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहां से आपको अपना कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसे आपको वीडियो क्रिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मूव इंटरफेस पर क्लिक करना है और आपको तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसके साइज को आपको कुछ इतना बड़ा कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है और आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। इसके बाद फिर आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद फिर आपको इस फोटो को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। फिर आपको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और आपको इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लेना है। शेप को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफर पे क्लिक करना है और आपको तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसकी भी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसकी भी साइज को आपको कुछ इतना बड़ा कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है और आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसकी भी ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। इसके बाद फिर आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको इस शेप को सिलेक्ट करना है, फिर से आपको मूव इंटरफेस पे क्लिक करना है और आपको इसको यहाँ पे लाना है। इसको आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ला के रख लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, फिर आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्टोरेशन वार पर, सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना है और आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना है। सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करना है और आपको इसको कम कर लेना है, इसको आपको 0.200 कर देना है। इसके बाद फिर आपको सेकेंड नंबर वाले को सिलेक्ट करना है और आपको इसको -0.10 कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, फिर आपको एक्स वाई वाले को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपको स्केल को सिलेक्ट करना है और आपको इसको बढ़ा करके 1.20 कर देना है। इसके बाद आपको ऊपर आना है, फिर आपको पहले वाले को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको इसको बढ़ा देना है, इसको आपको बढ़ा करके 400 कर देना है। इसके बाद फिर आपको वाई वाले को सिलेक्ट करना है और आपको इसको भी बढ़ा करके 400 कर देना है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको नीचे वाले फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, फिर आपको कलर एंड लाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, फिर यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा सिचुएशन एंड वाइब्रेंस, सिंपली आपको इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको सिचुएशन को बिल्कुल कम कर देना है। इसके बाद आपको इन दोनों फोटो पे और इफेक्ट ऐड करना है, जिसके लिए आपको सिंपली बैक आना है और आपको अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक फोटो मिलेगा, आपको सिंपली फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आपको कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करके इसकी इफेक्ट को कॉपी कर देना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है और आपको अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको दोनों फोटो पे इसी इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाले फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पे आपको इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको दोनों फोटो पे इसी इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। दोनों फोटो पे इफेक्ट पेस्ट करने बाद आपको ऊपर वाले फोटो और शेप को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको ग्रुप में क्रिएट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है, फिर आपको बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको एड बॉर्डर पर क्लिक करना है और आपको साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको आपको 20 से 22 कर देना है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फोटो को सिलेक्ट करना है और आपको इसको सारे लेयर के नीचे लाकर रख लेना है। इसके बाद फिर आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है और आपको इसको फोटो के ऊपर लाकर रख लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कुछ इस तरह का क्रिएट हो चुका। इसके बाद आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक PNG इमेज एड करना है। इस इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को एड करते हैं। तो इमेज को एड करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा छोटा करना है, फिर आपको इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से आपको इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है और आपको लास्ट में आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। तो फाइनली आपका वीडियो क्रिएट हो चुका। इसके बाद आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। अगर आपको इसको गैलरी में सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ से वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक।